हैप्पी दिवाली आप सभी को। दिवाली की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं लगी हूँ दिवाली की तैयारी में। मैंने ये पहनी है सिंपल सी साड़ी जो कि बहुत बारी में पहन चुकी हूँ, फर्स्ट टाइम नहीं है। अभी जा रहे हैं बहुत सारी तैयारी करने, तो ब्लॉग को बिल्कुल मिस मत करना, फुल वॉच करना और देखो मैं क्या क्या कर रही हूँ। यहाँ पर पतिदेव लाए थे जो दिवाली वगैरह होती है ना, और ये बच्चों के लिए खिलौना जो कि छोटे छोटे खिलौने होते हैं, बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे वो सारे खिलौने, तो वो लेकर आए हैं। यहाँ पर गणेश लक्ष्मी भी है, सारी चीज़ें यहीं पर हैं। और मोहल्ले में यहाँ पर एक लोग बनाते हैं, तो वो पहले से आके बता के जाते हैं कि मेरे यहाँ से ही सारा सामान लेना है, तो इसलिए हम लोग जो है मार्केट नहीं जा पाते ये सारी चीज़ें लाने के लिए, क्योंकि हर साल हमारे यहाँ उन्हीं के यहाँ से आता है, तो फिर हम लोग वहीं से लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें आई हैं। और दियाली वगैरह जो है ना, उसको भिगा के पानी में रख देंगे, जिससे वो तेल उसमें ना कम लगता है, और अगर उसको ना भिगाओ ना तो तेल बहुत 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 ज़्यादा लग जाता है, और इससे जो है थोड़ा सा तेल की बचत भी हो जाती है। और आप लोग बताओ दिवाली में क्या कर रहे हो, कैसे काम धाम हुआ आपका, आपने कैसे सारी तैयारी करी। और मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैंने सारी तैयारी करी। और यहाँ पर देखो ये कितना प्यारा खिलौना है ना बच्चों का। उसके बाद ये सारी जो दिवाली वगैरह थी उसको मैंने सारा भिगा दिया है, और अभी ये एक दो घंटे के लिए भीगा रहेगा, उसके बाद इसको निकाल देंगे और ऐसे ही रख देंगे, तो ये सूख जाएगा अच्छे से, तो उसके बाद शाम को जो दिया जलाने के काम आएगा। तो यहाँ पर हमारे यहाँ भाई ऐसे ही दिवाली होती है, आप लोग के यहाँ कैसे होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना फ्रेंड्स। और हैप्पी दिवाली लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। उसके बाद इतना सारा काम किया, पतिदेव पेस्ट्री लेकर आए थे, और ये पेस्ट्री हमको बहुत ज़्यादा पसंद है, पोटैटो वाली, तो इसको मैंने खाया फटाफट से। और उसके बाद फिर जो है याद आया कि अरे मेरा क्यूटी सो रहा है, उसको उसके लिए निकाल देते, तो जो इसके अंदर पोटैटो थी ना वो थोड़ी तीखी थी, तो उसको मैंने खा लिया। और जो ये ऊपर का पपड़ी था उसको मैंने अपने बच्चों के लिए रख दिया, क्योंकि माँ हूँ ना। तो यहाँ पर उसके बाद फिर मैं लग गई ये दिवाली जो मैंने भिगाई थी उसको निकालने में, क्योंकि आज पूरा दिन मेरा काम बिल्कुल भी ख़त्म होने वाला नहीं है। और यहाँ पर ये देखो पतिदेव भोगपुर लाए थे, अगर आप लोग जानते होंगे जो कि बजाया जाता है, ये टूटा था, तो चंद पैसों के लिए लोग इतनी बेईमानी क्यों करते हैं यार, वो भी त्यौहार में। ये भोगपुर जो है फेविक्विक से जोड़ा हुआ था, और जब मैंने इसको भिगाया ना तो ये उसी में टूट गया, ना पटका ना कुछ, ये टूट गया ऐसे ही। तो हमने पतिदेव को दिखाया, हमने कहा इसको वापस करके, और पतिदेव ने कहा रहने दो त्यौहार है कोई बात नहीं जाने दो, हमने कहा नहीं ऐसे कैसे जाने दो, मतलब बेईमानी करो बहुत बुरा लगता है यार, अच्छी बात नहीं होती है बेईमानी वगैरह करना, वो भी त्यौहार में, वो भी थोड़े पैसों के लिए। कितने करा होगा, 10 रुपये का या 20 का रहा होगा, जहाँ तक मुझे तो ये भी नहीं पता है, तो बस कुछ पैसों के लिए लोग बताओ कितना गिर जाते हैं ना। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है यार, किसी को क्या कह सकते हैं। और यहाँ पर देखो टूटा हुआ रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने पूजा की सारी तैयारी करी, ये दिवाली जो है मैंने भिगाई थी इसको मुझे साफ कपड़े से पोंछना है, और उसके बाद फिर जो है फिर यहाँ पर पूजा की मैंने सारी तैयारी करी, फूल वगैरह यहाँ पर सारा कुछ रखा था, पतिदेव लेकर आए थे तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी, और फिर यहाँ पर पूजा की तैयारी करी। जैसे भी मुझे पूजा की तैयारी आती है फ्रेंड्स, मैं वैसे ही करती हूँ, मैं किसी से पूछती नहीं हूँ, ना ही मैं पूछने जाती हूँ, क्योंकि अभी मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया है, पूछना पछोड़ना ये सारा कुछ मैंने छोड़ दिया है, मुझे खुद जो आता है मैं उस हिसाब से अब सारी चीज़ें करती हूँ। किसी भी चीज़ के बारे में मैं किसी से नहीं पूछती हूँ, कोई भी राय नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैंने सारा कुछ बंद कर दिया है। और फिर यहाँ पर मैंने जैसे भी मुझे समझ में आया पूजा की तैयारी किया, क्योंकि बच्चे मेरे खेल रहे थे, अभी सो रहा था छोटू खेल रहा था, तो इसकी वजह से मैंने कहा फटाफट तैयारी कर लो, क्योंकि अभी खाना भी बनाना है और टाइम बिल्कुल रहता नहीं है, तो अपने हिसाब से मैं जैसे भी मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं अपना मैनेज कर ही लेती हूँ, हाँ इस टाइम मुझे ये करना है, इस टाइम मुझे ये करना है, तो उस हिसाब से मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर करी थी। यहाँ पर चूड़ा वगैरह रखा इसमें, और जो भी पूजा का सामान था सारा कुछ मैंने रखा अपने हिसाब से। अब की कुछ मैंने पूजा फ़ोन से देख कर भी करी, क्योंकि मुझे उतनी ज़्यादा पूजा आती नहीं थी, तो फ़ोन में मैंने देखा था जैसे जैसे बताया था उस हिसाब से मैंने किया था थोड़ा बहुत। अब बहुत तैयारी कर ली है, थोड़ी बहुत बाद में करेंगे क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा है। और चलो तब तक दिखाते हैं कि मेरी मामी ने भेजा है मिठाई मेरे लिए और बच्चों के लिए, और इतने सारे पटाखे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत 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 सारे, दिखाते हैं आपको एक एक करके, कहाँ दिखाऊँ यहाँ दिखाते हैं। ये बैक कैमरे से दिखाते हैं,
उसके बाद थोड़ा सा और टाइम हो तो हमने कहा चलो दीपक में ऑयल वगैरह डाल के रख देते हैं, इससे क्या होगा कि बस जलाना रहेगा जैसे ही टाइम होगा। और पतिदेव मेरे जो है अभी उनकी शॉपिंग बची रहती है, हम लोग के लिए कपड़ा आ गया, बच्चों के लिए आ गया, लेकिन खुद के लिए उन्होंने अभी कुछ नहीं लिया है। और टाइम में बता दूँ 7 बज रहा है, अभी 7 बज रहा 7 बजे पूजा करनी है और अभी टाइम हो रहा है 4:30 का। तो भी तैयारी करो, बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। अभी खाना भी हमको बनाना है, खाने की सारी तैयारी हमने करी है, बस बनाना ही है, लेकिन फिर भी कितना भी कर लो यार वक्त तो लग ही जाता है। तो यहाँ पर फटाफट से सारा चीज़ मैंने डाला और ऑयल वगैरह डाला। वैसे ऑयल ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि जो है मोमबत्ती हमने मंगाई है, ज़्यादा वो जलाएंगे, बस मेन मेन जगहों पर जहाँ पर ऑयल लगता है वहीं पर डालेंगे। और उसके बाद फिर जो है बस सब में जो है बत्ती लगा देंगे। और उसके बाद पूजा का जो सारी तैयारी है, दिया जलाने की तैयारी है, वो सारी मेरी हो गई। अकेले कैसे मैं करती हूँ सच में मैं जानती हूँ, देखने में आसान लग रहा होगा ना, लेकिन मुझसे पूछो मेरी हालत क्या हो जाती है, कमर एकदम जवाब दे देती है, मन करता कि सब कुछ छोड़ो और चुपचाप से शांति से लेट जाओ, लेकिन लेट नहीं सकते ना, करना आखिर हमें ही है। और पतिदेव बाहर जॉब करके आते तो घर का काम बाप रे, फिर वो तो और ही थक जाएंगे। तो इसलिए हम दोनों मियाँ बीवी एक ही जैसे हैं, एक दूसरे के बारे में सोचकर बस चलते रहते हैं और इसी में काम भी हो जाता है और थकान का एहसास भी नहीं होता है, लेकिन थक तो जाते ही हैं यार, इसमें कर क्या सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग, इसका सेकेंड पार्ट जो है मैं शाम को अपलोड करूँगी। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कर लेना और मुझे सपोर्ट करना। और आप सभी को हैप्पी दीपावली और माता लक्ष्मी रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, साथ में मेरे ऊपर भी रखें, मेरे बच्चों पर भी रखें। और इसी के साथ आज का वीडियो एंड कर दें फ्रेंड्स। हैप्पी दिवाली, अपना ख्याल रखो, अपनों को रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, लाइफ में बेस्ट रहो, क्योंकि बेस्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। बेस्ट रहेंगे तो बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा आपको, तो इसलिए बेस्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि मैं बेस्ट रहती हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।